हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं ऑर्डिनल रिग्रेशन के इंटरप्रिटेशन के बारे में। ऑर्डिनल रिग्रेशन क्या है, कैसे काम करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम बेसिक बात करेंगे इसका इंटरप्रिटेशन की और इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे मल्टीनोमिनल रिग्रेशन के साथ। तो एक बार एक क्विक कुछ चीज़ें दोबारा देख लेते हैं। तो मैं SPSS में जाके, फाइल का नाम है सीरियल, मैं यूज़ करता हूँ। क्या मैं एज कैटेगरी को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकफास्ट? अब इंटरेस्टिंगली यही केस मैंने मल्टीनोमिनल में भी लिया था। उसका एक रीजन भी था। उसका रीजन ये था कि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। अगर हमारे पास सेम डिपेंडेंट वेरिएबल, सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और दो टेक्निक लगाएं, तो क्या डिफरेंस आता है, क्या सिमिलरिटी है, ये हम एक बार चेक करेंगे। सो लेट्स गो टू एनालाइज रिग्रेशन, ऑर्डिनल रिग्रेशन, और डिपेंडेंट वेरिएबल है एज कैटेगरी। सबसे पहले चीज नोट करें, मल्टीनोमियल रिग्रेशन में स्पेसिस हमेशा पूछता है कि आप बेस कैटेगरी किसे बनाना चाह रहे हैं। यहाँ हमसे कुछ नहीं पूछा जा रहा कि किसको बेस कैटेगरी आपने बनाना है। और जो प्रेफर्ड ब्रेकफास्ट है, इसको डाला मैंने फैक्टर में, दैट इज कैटेगोरिकल। ओके, ये तो पहला एक डिफरेंस तो ये हुआ। दूसरा डिफरेंस, इसके अंदर एक लिंक का कंसेप्ट है, जो लॉजिट है, कोशेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ये मल्टीनोमियल में नहीं था, बाई डिफॉल्ट लॉजिट है। तीसरी बात, यहाँ आउटपुट में आपको कहीं पे भी क्लासिफिकेशन टेबल नहीं मिलेगा, वो हमें खुद ही निकालनी पड़ेगा, प्रेडिक्टेड कैटेगरी। तो ये मुझे क्या करेगा, इस स्पेसिस फाइल में ये एक्चुअली एज कैटेगरी है एक प्रिडिक्ट करके बता देगा, और दोनों के क्रॉस टैब से मुझे खुद ही क्लासिफिकेशन टेबल निकालनी पड़ेगी। ये तीसरा डिफरेंस। सो पहला, ये मेरे से पूछ ही नहीं रहा कौन सा, किसको मैंने रेफरेंस कैटेगरी बनाना है। नंबर टू, इसके अंदर कहीं पे भी ये नहीं है क्लासिफिकेशन टेबल का प्रोविजन। और थर्ड, इसके अंदर एक लिंक का आइडिया है, बाय डिफॉल्ट लॉजिट है। ओके, सो और कुछ नहीं, ओके कर देते हैं। ओके करके ये वैसे ही काम करता है कि सबसे पहले सिर्फ इंटरसेप्ट लिया, उसके बाद फिर इसने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, 332 का काई स्क्वेयर में इंप्रूवमेंट आया, फिर गुडनेस ऑफ फिट इसने चेक किया, आर स्क्वेयर वगैरह आ गया। ऑर्डिनल में मैकफेडन आता है, ये मैकफेडन मल्टीनोमियल में नहीं आता है, और ये हमारे पास टेबल आ गई है। टेबल में डिपेंडेंट वेरिएबल की चार कैटेगरी थी, तीन दिखाई दे रही हैं, इंडिपेंडेंट की तीन कैटेगरी थी, तीनों दिखाई दे रही हैं। ओके, लेट्स टेक दिस टेबल टू एक्सेल, और अभी मैंने पावर पॉइंट के अंदर ले लिया है। तो ये तो है सबसे पहले केस प्रोसेसिंग समरी। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि आप ये चेक करें कि आपकी ये जो कैटेगरीज हैं, क्या ये इक्वल हैं। तो यहाँ तो इक्वली लग रहे हैं, 20, 23, 26, 29, राइट, पर ये क्या बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हैं? यहाँ पे हमारे पास एक रहता है टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इन सब पे इक्वल इफेक्ट आएगा, इन सब पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जो हमारे पास जो कैटेगरीज हैं यहाँ पे। सो लेट मी यूज माई पेन। इन चारों कैटेगरी पे इक्वल इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले बताइए, क्या ये चारों इक्वल है या नहीं? तो यहां तीन केस, चार केस, एक्चुअली पांच केस बनते हैं। पहला, आप बोले बिल्कुल सारे इक्वल है, तो ये एक फर्स्ट हो गया। अगर आपकी सारी कैटेगरी इक्वल हैं, तो इसको बोलते हैं लॉजिट, और ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर हमारी हायर कैटेगरी ज्यादा हो, जैसे यहां दिख रहा है ये 55% के करीब हाई कैटेगरी में है, 45 यहां है, तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉग लॉग कैन बी अ गुड मेथड। अगर लगे कि यहां पे ज्यादा हाई है, ये कम है, तो नेगेटिव लॉग लो। अगर ये लगे कि सेंटर पे सबसे ज्यादा है, ये दो मिला के बहुत ज्यादा है, ये कम है, तो फिर क्या होगा, ये सॉर्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बन जाएगा, फिर प्रॉफिट, विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर आप कहें पता नहीं, बहुत ऊपर नीचे, एक कैटेगरी ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, कुछ नहीं पता कैसा है, अजीब सा आ रहा है, तो कॉशिट भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये बार बार रन करके देखना पड़े, चेक करना पड़े कि कौन सा सबसे बेस्ट आ रहा है। सबसे बेस्ट किस टर्म्स में, किसको बोल रहे हैं हम सबसे बेस्ट? तो यहां सबसे बेस्ट हम इस टर्म्स में बोलते हैं कि जब आपका इंटरसेप्ट के अगेंस्ट इंप्रूवमेंट होता है। तो देखिए, यहां पे आउटपुट में अगर मैंने लॉजिट यूज किया, तो टोटल हो गया 332 का इंप्रूवमेंट। तो आप सब में देखिए किस में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये एक तरीका है। फिर सभी बुक से बोलती हैं कि यही अकेला तरीका नहीं है, आर स्क्वेयर भी देखिए किसका आर स्क्वेयर ज्यादा आ रहा है, और क्लासिफिकेशन में किसका ज्यादा अच्छा आ रहा है, इन सब के ऊपर आपने चेक करना है। सो नंबर वन, ये एक
आपको हो सकता है कई बारी करके देखना पड़े इसे। ठीक, खैर हम इस पे आगे चलते हैं। सेकंड थिंग, ये हम बात कर चुके हैं कि डिपेंडेंट की एज कैटेगरी 3 है, इंडिपेंडेंट की 3 है। और यहां पे जो एक चीज आप नोट करें, एक रूल जो फर्स्ट नोट करें, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डीवी इज ऑलवेज द रेफरेंस कैटेगरी। मल्टीनोमियल आपसे पूछता है, ये नहीं पूछता है, यहां पे फर्स्ट कैटेगरी आपकी कंपल्सरी है आपकी, जिसका सबसे छोटा कोड वो रेफरेंस कैटेगरी है। इसीलिए आप यहां देखिए, इसने 3 एज कैटेगरी दी है, तो ये एक्चुअली 1 का मतलब ये सेकंड एज कैटेगरी है, ये थर्ड एज कैटेगरी है और ये फोर्थ एज कैटेगरी है, और फर्स्ट जो है दैट इज द रेफरेंस कैटेगरी। ये फिक्स है रूल, ये देगा भी नहीं कहीं, बता भी नहीं रहा, पर ये फिक्स है रूल कि फर्स्ट कैटेगरी इज द रेफरेंस कैटेगरी। ओके, आगे चलते हैं फिर। तो अब इससे हम अपना फॉर्मेट हमें कैसे बनाना है, तो मैंने यहां दोनों का लिख लिया। अंडर 31 मेरी रेफरेंस कैटेगरी है, इसी तरह से सीरियल अगर आप चेक करें 0, ये भी मेरी एक रेफरेंस कैटेगरी रहेगी। राइट, तो 2 रेफरेंस कैटेगरी, अंडर 31, ये भी वही बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने मल्टीनोमियल में किया था। अब इसका हम एक आउटपुट बनाएंगे और वो आउटपुट लगभग वैसा ही होगा जैसा हमारा मल्टीनोमियल का था, दैट डीवी जो होगा, डीवी हमेशा कॉलम्स में जाएगा। यहां पे एक और चीज चेंज हो जाती है, ये जो आपको दी है वैल्यूज, ये वैल्यूज एस्टिमेट मतलब ये लॉजिट हैं, पर ये एक्चुअली लॉजिट ना होके ये कुमुलेटिव लॉजिट है। अब इसको एक बार हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डिनल रिग्रेशन है, ऑर्डिनल रिग्रेशन में हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, जैसे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये कुमुलेटिव लॉजिट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां आई स्ट्रांगली एडवाइज आप टेबल बनाकर ही काम करें, एल्स थोड़े से इश्यूज रहेंगे। तो कैसे काम करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मल्टीनोमियल में करते थे, कि हमारे पास एक रेफरेंस कैटेगरी है यहां पर सीरियल, एक रेफरेंस कैटेगरी है हमारे पास, रेफरेंस कैटेगरी इज इक्वल टू अंडर 31, ये 2 रेफरेंस कैटेगरी है हमारे पास। तो आइए चलते हैं इसमें, देखते हैं जो सीरियल है इसके लिए ये 3 वैल्यूज हैं सीरियल के लिए, क्योंकि ये तो 0 है, तो ये 3 वैल्यूज हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, टू बिगिन विथ इन वैल्यूज को इनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में लिखेंगे। सो 31 टू 45 में सीरियल, यस ये है सीरियल और ये है 31 टू 45, तो ये वैल्यू 1.16 यहां आ गई। लाइकवाइज 46 से 60, ये कैसे पता है किसकी वैल्यूज हैं, क्योंकि सीरियल 0 है, तो ये तीनों सीरियल की ही वैल्यूज हैं, ये तीनों इंटरसेप्ट है, ये जिसको ये थ्रेशोल्ड लिख रहा है, लोकेशन का मतलब स्केल है। तो ये तीनों वैल्यू रिस्पेक्टिवली यहां आ जाएंगी 3 इस पे, तो इनकी मदद से अब हम लिखेंगे। तो यहां अब आप 2 पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट तो ये कि इसके अंदर जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो a माइनस बी एक्स है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ SPSS के कंटेक्स्ट में है, ये ऑर्डिनल के रिग्रेशन के कंटेक्स्ट में नहीं है। SPSS जो अपना बनाता है वो ऐसा बनाता है, इसको a माइनस बी एक्स के कंटेक्स्ट में बनाता है। पहला तो ये जो भी कॉफिशियंट है ये सब्ट्रैक्ट होंगे। नंबर 2, a माइनस बी एक्स का भी एक्चुअली ऐसे हो जाएगा ये कि ब्रेकफास्ट के लिए इट विल बी y, ब्रेकफास्ट इज इक्वल टू a माइनस बी, ऑटमील इज इक्वल टू a माइनस बी, और जो सीरियल है इज इक्वल टू a माइनस 0। तो वो तो ये हो ही गए हैं सारे। यहां पे x का मतलब ब्रेकफास्ट के लिए ये वाली वैल्यू और इसके लिए ये वाली वैल्यू। और एक और बात, ये वैल्यू सब एज कैटेगरी के लिए कॉमन है, ये आपने नोट की ये बात। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पे 708 ब्रेकफास्ट वाली वैल्यू, ये वैल्यू तीनों एज कैटेगरी के लिए कॉमन है। 1.16 तो यहां से आ गया, या बोल दीजिए कि यहां से आ गया 1.16, और बाकी ये तीनों के अंदर कॉमन है। तो अगर आप मल्टीनोमियल देखें वहां पे बहुत सारी वैल्यू थी, यहां पे 6 ही वैल्यू है, 3 वैल्यू a है और 2 वैल्यू b है, और हमारा y इज इक्वल टू a माइनस b है, दैट्स इट। तो इससे मैंने ये लिखा a माइनस bs को यूज करके। 2.26 यहां चली गई, ये हो गया है कुमुलेटिव लॉजिक। अब ये फॉर्मूला सेम है ओड्स का, क्या होता था ओड्स, क्योंकि जो हमारा लॉजिक होता है दैट इज लॉग ऑफ ओड्स रेशो, सो ओड्स क्या हो जाएगा हमारा, e रेज टू पावर लॉजिक। अगर मैं इसका e यानी exp
ऑफ दिस सेल वैल्यू ए वन, तो ये मेरा बन जाएगा कुमुलेटिव ऑड। ओके सो लेट्स डू दैट। तो यहां पे इसका मैंने तीनों का कुमुलेटिव लिया, फिर क्या किया हमने, जो प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन का पीछे हमने देखा था प्रोबेबिलिटी का हम फार्मूला बोलते थे मल्टीनोमिनल में, कि जो ऑड्स होगा डिवाइडेड बाय वन प्लस ऑड्स, ये है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रपोर्शन बोल दीजिए प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहां पे थोड़ा सा फर्क हो जाता है, कुमुलेटिव प्रपोर्शन का फंक्शन है वन डिवाइडेड बाय वन प्लस कुमुलेटिव, ऊपर का फर्क ध्यान रखिएगा, और ऑड्स नहीं है यहां पे, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस कुमुलेटिव ऑफ द ऑड्स। आइए करें, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस जीरो तो वन हो गया, यानी वन डिवाइडेड बाय वन प्लस 0.636 इज इक्वल टू 0.611, ये वैल्यू। लाइकवाइज इससे ये वैल्यू आ जाएगी, इससे ये वैल्यूज आ जाएगी, ये सारी वैल्यूज आ गई है हमारी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, जब हमने प्रपोर्शन कुमुलेटिव प्रपोर्शन निकाल लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि अब हम निकालते हैं प्रपोर्शन। तो ये वही तरीका है, अगर ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं कहूं 31 से मोर कितने हैं 100%, 31 टू 45 से मोर 100 कितने हैं 61%, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो बन जाएगा ये वाला, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बन जाएगा ये, और इसके बाद तो लास्ट में तो ये रहेगा ही रहेगा, राइट। तो अब मैंने इसको जो फाइनल हमारा टोटल था लाइक 230 समथिंग, उससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। 230 का कैसे पता लगा मुझे, तो हम देखेंगे टोटल जो ब्रेकफास्ट लेने वाले थे वो कितने लोग थे। आई थिंक ये मैंने एक टेबल में यहाँ पीछे दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं, सी ऑल टेबल, और यहाँ दिया हुआ है ब्रेकफास्ट लेने वाले 231 लोग थे, ऑटमील लेने वाले 310 लोग थे। तो यहाँ पे मेरे पास अब आ गया है प्रपोर्शन, तो अगर इसको 231 से इस प्रपोर्शन को मल्टीप्लाई करें 231, तो ये 90 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 231 76 आ गया, एंड सो ऑन। ये 310 थे, इसको मल्टीप्लाई किया 310 से 10 के करीब आ गया, एंड सो ऑन। इस तरह से हमने कर दिया है। तो अब यहां पे एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि मल्टीनोमियल में तो हम अपना इंटरप्रिटेशन कर रहे थे ओड्स के कंटेक्स्ट में, राइट। तो मैंने कोशिश की है, हालांकि ये बिल्कुल अलग बात है, वो अलग बात है, पर फिर भी एक रहता है हमें ना कि दोनों में क्या चल रहा है, एक बार दोनों को हम समझे अच्छे से। आइए, ये दोनों का मैंने टेबल एक ही पे ले लिए। अब यहां पे जो ओड्स है, वहां तो हम ये बात कर रहे थे कि इसके कंपैरिजन में ये 7% बढ़ गया, ये कम हो गया, ये कम ऐसा हो गया, इसके कंपेरिजन में 6, 24 और 46 ऐसा हो गया, एंड सो ऑन। यहां तो हम ऐसे बात कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, यहां ओड्स तो है ही नहीं हमारे पास, यहां तो कुमुलेटिव ओड है कि ये 0.66, प्रपोर्शन निकाला प्रपोर्शन आ गया, प्रपोर्शन को हमने मल्टीप्लाई किया। देखिए यहां पे आप इस फिगर पे कैसे पहुंचेंगे, व्हाट इज दिस, अगर मैं कहूं 31 वाले कितने लोग हैं, 31 वाले जो हमारे ब्रेकफास्ट लेते थे, आइए काम कर लेते हैं, हम एक बारी एसपीएसएस में चल के क्रॉस टैब निकाल के देख लेते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स क्रॉस टैब, क्रॉस टैब के अंदर एज कैटेगरी को कॉलम में और ब्रेकफास्ट को मैंने डाला रोज के अंदर, यहां पे 84 लोग हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं इस नंबर को 84 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 84, इसको 84 से मल्टीप्लाई करूं ये बन जाएगा 90, मल्टीप्लाइड बाय 84 39, मल्टीप्लाइड बाय 84 ये बन जाएगा 18, ये जो निकाले है मैंने फ्रीक्वेंसी, और ये एग्जैक्टली सेम है, देखिए 84 90 39 18 एग्जैक्टली जो हमारा एसपीएसएस जो एक्चुअल डाटा है और प्रिडिक्टेड, यानी ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है जो कि एग्जैक्टली सेम है, 424 ये भी सेम है 424। लेकिन अब इस पे आइए, हमारा प्रपोर्शन हमने कहा आएगा रफली 0.389, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, दोनों में एक बेसिक फर्क आप समझ पा रहे हैं क्या, ये पूरी टेबल मल्टीनोमियल की इस कैटेगरी के बेस पे है, जबकि प्रपोर्शन इज आउट ऑफ टोटल। अब ये बेस कैटेगरी ठीक है, बेस कैटेगरी से शुरू किया था, पर ये प्रपोर्शन टोटल के परस्पेक्टिव से है, टोटल मतलब कितना है टोटल 231, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 231 विल बी दिस, मल्टीप्लाइड बाय 231 इज 76, मल्टीप्लाइड बाय 231 इज दिस, एंड सो ऑन। और ये वैल्यू अब चेक करें 8490, इट इज 9076, सेम नहीं है, इसमें एग्जैक्टली सेम नहीं आएगी ऑर्डिनल में। तो ऑर्डिनल का जो आप इंटरप्रिटेशन लिखेंगे
वो नंबर एक तो मल्टीनोमियल की तरह नहीं होगा कि ये इससे इतने टाइम से इतने टाइम से, रादर आप प्रपोर्शन की बात करेंगे कि इसमें जो हाईएस्ट प्रपोर्शन है जो ब्रेकफास्ट वाले हैं उनमें हाईएस्ट प्रपोर्शन हमें जो मिला वो अंडर 31 का मिला, ओके okay? एंड इसका परसेंटेज बता सकते हैं कितना भाई, तकरीबन 30-40% के करीब है, 30% ये लेते हैं। ऑटमील वालों में जो सबसे ज्यादा मिला वो 60% के करीब लोग ये लेते हैं। सीरियल के अंदर ऑलमोस्ट 31%, 29%, 23% इक्वली डिवाइडेड है। अगर आप इंटरप्रिटेशन देखेंगे, इंटरप्रिटेशन में बहुत फर्क नहीं है, यहां पर भी यही आ रहा था कि ब्रेकफास्ट इसमें ज्यादा है, यहां पे ये लोग ज्यादा हैं 26 दिस, और ये इक्वली था तीनों के अंदर। लेकिन कहने का फर्क है, यहां हम बात कर रहे हैं बेस कैटेगरी के कंटेक्स्ट में और यहां हम बात कर रहे हैं टोटल के कंटेक्स्ट में। सेकेंडली, इसके नंबर्स एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहे हैं, पर ठीक है, जो आप क्या बोलेंगे कि देखिए अगर आपका पर्सपेक्टिव है हार्डकोर ऑर्डिनल के पर्सपेक्टिव से चलें तो ये ठीक है। कुमुलेटिव और कुमुलेटिव परसेंटेज 31 से ज्यादा कितने लोग होंगे, 61%, ये भी सब मिला के तब ऐसे बात करें आप, अगर हार्डकोर ऑर्डिनल के ही पर्सपेक्टिव से आप चल रहे हैं तो। और अगर आप मल्टीनोमियल में आते हैं तो बिल्कुल ठीक है, तब आप इस तरह से बात करेंगे। तो इन दोनों में एक फंडामेंटल फर्क है, ये तीन चार चीजें आपको याद रखनी है इसमें। तो एक बार क्विकली अगर हम दोनों में डिफ्रेंशिएट करें क्या क्या डिफरेंस है। नंबर एक, यहां पे लिंक का कंसेप्ट है ऑर्डिनल में, तो लॉजिट लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री लॉग लगाएंगे, ये देखना है। नंबर टू, यहां पे y इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स का लगेगा। नंबर थ्री, यहां पे आपका कुमुलेटिव लॉजिट है, जो लॉजिट नहीं कुमुलेटिव लॉजिट है। नंबर फोर, जो प्रपोर्शन निकालते हैं दैट इज 1/1 + ऑड, ये भी फर्क है। नंबर फिफ्थ, यहां पे हम बात करते हैं टोटल के पर्सपेक्टिव से, ये टोटल का कितने परसेंटेज है, यहां पे बेस कैटेगरी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। ये फंडामेंटल दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं। सो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हुई है, ये टेबल बनाने से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।